आज हैप्पी गर्ल चाइल्ड डे है, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। हर साल 24 जनवरी को हमारे देश में मनाया जाता है छोटी लड़कियों को ट्रिब्यूट देने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी पंप हुआ चालू, बोट भी चलेगी सीएनजी पर। आपूर्ति नमो घाट पर गेल कंपनी की तरफ से यह बनाया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं वाराणसी में। वहीं पीएम मोदी 28 जनवरी को पहुंचेंगे मालासेरी धाम। आसीन में धार्मिक कॉरिडोर के लिए केंद्र की रिसर्च व सर्वे की टीम भी पहुंची। खबर है दोस्तों कि राजस्थान के आसीन यानी भीलवाड़ा क्षेत्र में मालासेरी डूंगरी में गुर्जर समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ भगवान देवनारायण की प्रकट स्थली पर 28 तारीख को पीएम मोदी आने का प्लान बना रहे हैं। बजट पर एक्सपेक्टेड खबर आ रही दोस्तों कि इस बार के बजट में टैक्स में राहत मिल सकती है। सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट लिमिट को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बड़े फैसले ले सकती है सरकार बजट 2023 में। और घर बनवाने वालों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5-3 लाख रुपए की मदद मिलती है ना, उनको भी पैसे बढ़ा सकती है सरकार, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और अब देखते हैं 1 फरवरी को ऑफिशियल बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको बता दूं राजस्थान राज्य का भी विधानसभा बजट सत्र का उद्घाटन कर दिया सरकार ने, लेकिन पहले ही दिन हंगामा नजर आया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के 3 विधायक भी निलंबित किए गए। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बीमा नियामक इरडा की तरफ से एक खास सुविधा दी गई है। अब अगर आप नौकरी बदल भी रहे हैं तो भी आप अपने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर को जारी रख सकते हैं। कर्मचारी ग्रुप पॉलिसी को इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी पर माइग्रेट भी कर सकता है। तो ये इरडा की तरफ से सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इनके बारे में। अच्छा वही देखिए दोस्तों, सोने पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप, पिछले 9 साल में 30,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया सोना। जी हाँ, लिटरली 9 साल में इतनी ज्यादा महंगाई रेट सोने में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2014 के रेट में भी आप कंपेयर करोगे तो 10 ग्राम सोने की कीमत 28,000 रुपए थी साल 2014 में, और अभी 2023 में 58-59,000 रुपए के लगभग चल रही है। और आंकड़ा तो ये भी कहता है दोस्तों कि 64 साल पहले हमारे देश में 1 किलो बासमती चावल की कीमत में 1 तोला सोना आ जाता था। अगर आपको विश्वास नहीं तो ये एक ऑफिशियल बिल है सोने का, आप देख सकते हैं। लिटरली दोस्तों मतलब 1 किलो चावल और 1 तोला सोना दोनों बराबर रेट के थे 64 साल पहले। वैसे हमारी भारतीय महिलाएं कितना सोना पहनती, देखिए आप, हमारे भारत में 24,000 टन महिलाओं की ज्वेलरी के रूप में सोना अवेलेबल है। और 1947 में दिल्ली मुंबई की फ्लाइट टिकट भी 10 ग्राम सोने से ज्यादा महंगी थी। ये सोने की इकोनॉमी को लेकर कुछ डेटा सामने आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, विक्रम क्रेडिट कार्ड जारी किया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और इस पर आपको 20 लाख रुपए तक का सीधा एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है। ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इस पर किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और इसके इस्तेमाल करने पर आपको इसमें रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, कोविन पोर्टल के बाद सरकार ने यूविन पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल का मकसद है महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैसे कोरोना काल के दौरान सरकार ने कोविन पोर्टल लॉन्च किया था, सभी तरह के लोगों के लिए कोरोना टीके का डिजिटलाइजेशन और टीकाकरण सर्टिफिकेट वगैरह को कंट्रोल मैनेज करने के लिए, राइट। वैसे ही सरकार ने अब यूविन पोर्टल भी लॉन्च किया, खास करके गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का ट्रैक और डेटा इस यूविन पोर्टल में रखा जाएगा। बड़ी खबर आ रही, किसान भाई लोगों के लिए जरूरी खबर है, अगर आपको खाते में किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए चाहिए तो 28 जनवरी तक ये काम जरूर कर लें, और वो काम ये दोस्तों कि ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लें। सरकार ने अंतिम चेतावनी जारी की है सभी किसान भाई लोगों को, इसके बाद आपको किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा अगर आप 28 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो। ई-केवाईसी सिंपली आप पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर जाकर के भी करवा सकते हैं, जहां पर फर्स्ट में आप आओगे फार्मर्स कॉर्नर में फर्स्ट वाला बटन ही आता है ई-केवाईसी, इसको जैसे दबाओगे आपको जानकारी पूछी जाएगी आधार कार्ड नंबर वगैरह और कंप्लीट हो जाएगी, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही, लॉकर यूज करने वाले बैंक ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ी खुशखबरी दी है, और लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल की डेडलाइन को सरकार ने लगभग 1 साल तक बढ़ा दिया है। हाल ही में आपको बताऊंगा, नए साल से आरबीआई ने बैंक लॉकर के न्यू रूल्स जारी किए थे, राइट। तो इस पर आरबीआई का कहना है कि ज्यादातर कस्टमर्स जो है ना वो रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर साइन ही नहीं किए, तो इसीलिए आपके पास टाइम होगा 31 दिसंबर 2023 तक। अब आप बैंकों की जो न्यू लोन एग्रीमेंट पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस पर साइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पर देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में 30-40% तक नौकरी से निकाले गए भारतीय लोग, और अब ये नई नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही है, देख सकते हैं अमेरिका में हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स मुसीबत में हैं। और नौकरी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि उनका वीजा खत्म हो रहा है, अब वो अगर इंडिया आते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई छूटेगी, उनको घर बेचकर लौटना पड़ेगा क्योंकि वहां की तो नौकरी चली गई। अब देश निकाले का भी डर लग रहा है उनको, क्योंकि भारतीय आईटी पेशेवर विदेश में जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनियों के द्वारा हाल ही में आपको बताऊंगा हजारों कर्मचारियों को निकाला गया था, और इसके बाद तो स्पॉटिफाई कंपनी ने भी आज अनाउंसमेंट कर दिया 9,800 एम्प्लॉइज की छुट्टी करेगी। तो ये काफी संघर्षपूर्ण दौर चल रहा है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया को किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण चीन को भारत से मिल रही कड़ी टक्कर। पिछले 1 महीने के अंदर
$1 बिलियन से भी ज्यादा के आईफोन इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं। जी हाँ, लिटरली मतलब इंडिया में आईफोन बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो चुके हैं। एप्पल कंपनी का कहना है कि आईफोन और मैकबुक के 5 गुना तक प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। चीन से निकलकर अब एप्पल कंपनी अपनी 14 यूनिट को भारत में लगाने जा रही है, तो ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है वाकई में। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के साबा में पहुंच चुकी है। कड़ी सुरक्षा घेरे में दिखे राहुल गांधी, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू में बोले राहुल की जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है। पहली बार राहुल गांधी ने अपनी शादी को लेकर भी कुछ बयान दिए। उन्होंने कहा कि शादी के लिए लविंग और इंटेलिजेंट लड़की की तलाश है, ऐसी लड़की जब मिल जाएगी शादी हो जाएगी। राहुल गांधी को आइसक्रीम भी सबसे ज्यादा पसंद है, ये कुछ पर्सनल बातें उन्होंने इंटरव्यू में कही। वैसे दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी जोरों शोरों पर चलना शुरू हो गई है। और इसी बीच दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आतंकी खतरा भी मंडरा रहा। पुलिस विभाग की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है और 15 फरवरी तक दिल्ली में कई सारी चीजों पर रोक लगा दी है, जैसे कि पैराग्लाइडर, ड्रोन, हॉट एयर बैलून वगैरह, ये सारी गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली में ड्रोन कैमरे भी नहीं उड़ा पाएंगे। गुब्बारे उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, पुलिस कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी किया गया। वैसे कर्तव्य पथ पर झांकियों में इस बार अयोध्या का दीपोत्सव और भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप भी देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड का छोलिया नृत्य भी इस बार आपको देखने को मिलेगा, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं ब्रिटिश 25 पाउंडर गन भी आउट हुआ। कर्तव्य पथ पर सलामी देंगे ये भारतीय तोपें। हमारे भारत की नौसेना की ताकत में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होने जा रही है। कलवारी क्लास सबमरीन INS वागीर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है। इसका नाम है शेंड सार्क INS वागीर, जो पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और 50 लोग एक साथ इस सबमरीन में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, वही भारत में प्रोडक्ट को लेकर एक सर्वे रिसर्च सामने आ रही है कि 25-30% उत्पाद भारत में नकली है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोटिव, किसी भी तरह के उत्पाद। ऑल ओवर रेशियो 25-30% उत्पाद भारतीय बाजार में नकली तरह के हैं। ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कर्नाटक में हिसाब विवाद का मामला, परीक्षाओं को देखते हुए जल्द इस पर सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बनाने का फैसला किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें गंभीर संदेश छिपा हुआ है। इन परमवीर चक्र विजेताओं में कारगिल हीरो कैप्टन से लेकर हिमाचल के 3 सपूत भी शामिल है, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, असम राज्य के मुख्यमंत्री शर्मा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ अब असम राज्य सरकार पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। सख्त चेतावनी जारी की है असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से, कल ही इस बात को लेकर। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर भारत में एक बड़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने आ रहा है कि दुनिया के 20% कैंसर मरीज जो है ना, वो हमारे भारत में है। डॉक्टरों की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि हम भारतीयों की आदत और गलत लाइफस्टाइल, ये अगर नहीं सुधारी गई तो कैंसर की स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती है भारत में। बड़ी खबर आ रही है, भारत में अमेरिकी वीजा के लिए हर शनिवार होंगे विशेष इंटरव्यू। दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में स्टाफ भी बढ़ाए हैं, इसको लेकर सरकार ने भारत में वीजा की प्रक्रिया को लंबा खींचने से रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से ये नई पहल शुरू की है। अच्छा, कल ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस पर 500 केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इसमें 50,000 छात्र भी शामिल हुए। वहीं राजधानी दिल्ली के नगर निगम मेयर पद के चुनाव आज होने जा रहे हैं। बीजेपी ने जीत का वादा किया है, आम आदमी पार्टी की परेशानियां भी बढ़ी हैं। वैसे चुनावी जीत की बात हो रही तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी टेस्ट का भी नतीजा आ चुका है। 19 निकाय चुनाव में से 11 में बीजेपी जीती, 8 में कांग्रेस जीती। मिशन 2023 दोनों दलों के लिए चुनौती भरा रहने वाला। अच्छा वही दोस्तों, बागेश्वर धाम कंट्रोवर्सी पर बड़ा अपडेट आना। देखिए, पहली बार देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि मैंने बोल दिया तो धीरेन्द्र शास्त्री दरबार नहीं लगाएंगे। उनका कहना है कि टारगेट आखिर सनातन धर्म पर ही क्यों किया जा रहा। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि चूड़ियां पहनकर मत देखो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को अब शंकराचार्य ने भी चुनौती दी है, और अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि जोशी मठ में उत्तराखंड में जो दरारें आई हैं उनको जोड़ दें, हम आप पर फूल बरसाएंगे। दरअसल बागेश्वर धाम के चमत्कारों की परीक्षा के लिए ये चुनौती दी गई है उनको। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री विवाद पर बीजेपी और RSS की साजिश है, ये कहना है कांग्रेस MLA का। उन्होंने कहा कि नागपुर से क्यों उठा ये मुद्दा, मंत्री उषा बोली सभी विरोधी देशद्रोही हैं। और इन सब हालातों के बीच दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सरकार से अब अंधविश्वास कानून को ही हटाने की मांग की जा रही है। नासिक के एक संत समाज के दूसरे धर्मों को चुनौती है कि चमत्कार साबित करो, 51 लाख रुपए देंगे। तो ये कुछ माहौल चल रहा है। अब ज्यादा अपन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगी, सीधा आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, यहाँ 25 जनवरी से चलेगी श्री जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन। 10 AC कोच में एक साथ 600 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी। जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन बुधवार से शुरू होने जा रही है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, वही बड़ी खबर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि UAE के प्रेसिडेंट से कर्ज मांगते वक्त मुझे शर्म आ रही थी, उन्हें ये भी बताया था कि मैं मजबूर हूँ। दरअसल अभी पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा बदहाली तंगाली के रूप में चल रही है, और इसी बीच पाकिस्तान PM का ये बयान देखने को मिला। अच्छा भाई, जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि बंगाल के बोर्ड पेपर में POK को बताया आजाद कश्मीर। एक सप्ताह में दूसरी बार ऐसी गलती देखने को मिली हमारे देश में, पश्चिम बंगाल के बोर्ड एग्जाम के पेपर में।
और केंद्र सरकार ने अब इस पर जवाब भी मांगा है। अच्छा वही दोस्तों, बड़ी मन को मोह लेने वाली खबर देखिए। गुजरात की एक कोर्ट ने कितना सुंदर बयान दिया कि गाय जानवर नहीं हमारी माँ है, अगर गोहत्या बंद हो जाए तो धरती की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गुजरात की एक अदालत ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए कहा। अच्छा, पहलवान और ब्रिजभूषण कंट्रोवर्सी के बीच सरकार ने ब्रिजभूषण शरण की